बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त जेडीसी फ्री मॉर्चरी में खड़े हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मॉर्चरी का प्रोजेक्ट जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हिनो कंपनी से जो मैयत बसें हमने खरीदी, एक एक बस करोड़ों रुपए की पहुंचना शुरू हो चुकी है। दो बसें सामने खड़ी हैं। हमारे साथ फखरे पाकिस्तान, फखरे कराची, कराची की शान, कराची की पहचान, कराची की वजह से कितनी कुर्बानियां उन्होंने दी हैं वो ये खुद जानते हैं और हम जानते हैं। एहलियाने कराची, बहुत शुक्रिया सरफराज भाई, आप यहाँ आए और आप सपोर्ट करते हैं तमाम फलाही इदारों को, जो भी अच्छा काम होता है उसमें आते हैं। आपको कैसा लगा आज ये मॉर्चरी? आपने विजिट की, दुनिया की सबसे बड़ी बसें देखी, गुस्ल कफन का निजाम देखा फ्री, और उसके अलावा आपने जहाँ बॉक्सेस बनेंगे वो फ्री देखा, और पाकिस्तान जो फ्री है उससे मुताल्लिक बताया, कैसा लगा? जवाहर भाई, पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया। आप जब भी कोई ऐसा काम करते हैं तो हम सब लोगों को इनवाइट करते हैं, और हमारी भी ये कोशिश होती है कि जो इस तरह के जो लोग काम करते हैं कराची के लिए, लोगों के फलाह बहबूद के लिए, उसमें आपका नाम जो है वो सारे फहरिस्त आता है जेडीसी का, जफर भाई का। और आज जैसे कि इन्होंने बताया कि आज जो है फ्री मुर्दा खाना जो है वो बनाने जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान कराची में, और सबसे बड़ा जो है वो मुर्दा खाना होगा, क्योंकि यहाँ पे 1000 बॉडी जो है वो रखी जाएंगी। तो मैंने आज इसका विजिट किया और बहुत अच्छा लगा सारी चीज़ें देख के। आई थिंक हमारे कराची के लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह होगी कि जहाँ पे हर चीज़ आपको, किसी चीज़ के भी आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आपका कोई भी घर वाला जो भी जो दुनिया चला जाता है आप उसको यहाँ पे ला सकते हैं, आपको हर चीज़ जो है फ्री में अकोमोडेट की जाएगी। तो आई थिंक जेडीसी का और जफर भाई की बड़ी अच्छी खिदमत है कि अल्लाह ताला इनको, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला इनको और हिम्मत दे कि ऐसे लोगों की खिदमत करते रहें, और इंशाल्लाह हम सबकी सपोर्ट जो है वो जेडीसी और जफर भाई के साथ है। सर, मैं सर आपको दूर से वो भी दिखा दूँ, लोग भी देख लें। और दूसरा सरफराज भाई, ये जो कराची को फकीर रमजानों में आके घेर लेते हैं और यहाँ पर लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि तेरा रोजा कबूल नहीं होगा और तेरे बच्चे की सेहत का हुई हो जाएगा, तेरे बच्चे सलामत रहे अगर नहीं देगा पैसे, तो या जो ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, और करोड़ों रुपए, मैंने भी एक वीडियो में बताया कि 32 अरब 40 करोड़ रुपए सिर्फ दुकानदारों से ये फकीर लेते हैं। आप लोग एक नजर देख लें, जो बॉक्सेस तैयार हो चुके हैं और ये पूरी लाइन जो है पूरी रेडी हो चुकी है, इस तरफ वाली पूरी लाइन रेडी हो चुकी है, ये सारे बॉक्सेस मैयत रखने के, ये पूरी लाइन रेडी हो चुकी है, ये वाला हिस्सा जो है ये वाला रेडी हो चुका है, स्ट्रेचरें रेडी हो चुकी है, तमाम सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, आगे उसका खाना रेडी हो चुका है। सरफराज भाई, लोगों से अपील करते हैं, फकीरों का, ढोंगी फकीरों का बाइकआउट करना है, और जो भी इस रमजान पे महंगी चीज बेचेगा डबल रेट में उस प्रोडक्ट का भी बाइकआउट करना है, अपील करते हैं। बिल्कुल, जैसे भी जफर भाई ने पहली कहा कि सबसे पहले आप उन लोगों की मदद करें जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, जिनको आप समझते हैं कि ये वाकई बहुत ही डिजर्विंग लोग, अपने मोहल्लेदार, अपनी जकात, सबका खराज जो है आप सबसे पहले उनको दें, क्योंकि वो सबसे पहले आपके मुस्तहिक होते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जो कि वो आपसे कुछ कह नहीं सकते, मांग नहीं सकते, कयामत के दिन सवाल भी उन्हीं का होगा। डेफिनेटली, बिल्कुल, तो आपने सबसे पहले उनकी मदद करनी है, उसके बाद अगर कोई ऐसा आपको मुस्तहिक बंदा दिखता है कि तो फिर आप उसकी मदद करें, बाकी ऐसे लोगों से अवॉइड करें जो लोग जो है वो आते हैं और अपना इन्होंने कारोबार बनाया हुआ उसका। और जो महंगाई करेंगे जखीरा अंदोज, उनके लिए भी सर? बिल्कुल, देखें जी, जो भी महंगाई करता है, क्योंकि आजकल के जो हमारे पाकिस्तान के हालात हैं तो लोग बहुत ज्यादा मुश्किल आते हैं, अगर कोई ऐसी चीजें हरकतें करता है कि डबल रेट में डबल पैसे में चीजें बेचता है तो उसकी जरूर शिकायत करें ताकि उसको जो है। अच्छा, सरफराज भाई, अगर बिल्कुल सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, अगर कोई शख्स सामान जमा करके और डबल रेट में बेचे और हम ऐलान करते हैं पहली रमजान को, ये देखें सरकारी रेट इसका 15 रुपए किलो था और ये 60 रुपए किलो भेज रहा है, इसका बाइकआउट करो, तो आप भी बाइकआउट करेंगे? देखिए, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आज इस वक्त जो हमारी आवाम के मुल्क के हालात हैं तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है, और अगर कोई गलत काम करता है तो उसकी निशानदेही बिल्कुल होनी चाहिए और उसका बाइकआउट बिल्कुल होना चाहिए। थैंक यू, वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, आप पाकिस्तान का फखर है, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, बड़ी उम्मीदें पूरे कराची की, आपसे बड़ी मोहब्बत है। नहीं नहीं, दफर भाई, ये तो आप करते हैं, असल में देखें असल हीरो तो आप लोग हैं जो कि फील्ड पर रहकर काम करने, बात है कि हम तो आपकी सपोर्ट के लिए आ जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि यार ये अच्छा काम कर, लेकिन आप जिस तरीके से कराची के लोगों के लिए, सिंध के शहरियों के लिए काम कर रहे हैं वो बहुत जबरदस्त है। फ्री डायलिसिस सेंटर बनाए जा रहे हैं, उसके अलावा जो है वो लोगों के टेस्ट जो है वो मुफ्त हो रहे हैं, आजकल आपको पता कितनी महंगाई हो गई है, आम आदमी फ्री टेस्ट जो है वो ब्लड टेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप रहे सर बगैर इलाज के। आप लोगों की बड़ी खिदमत है, अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे और आप ऐसी लोगों की खिदमत करते हैं। थैंक यू, इस वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा, रिट्वीट कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा, हमारे कराची का फखर है, हमारी दुआएं आपके साथ हैं।